कुलदीप जी बताइए, इतने सारे आरोप आप पर लगे हैं, जवाब जरूरी है। पास कुछ मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, उनका समय, अब उनका समय, अब फ्लोर उनका है सर, सर अब फ्लोर उनका है, आप प्लीज। जेल साहब, ये तो जी जी आपका समय, ये तो आपको फिर समय मिलेगा प्लीज। ये आपके चैनल में मैं दिखा रहा हूँ, दिल्ली के कूड़े का हाल है। इन्होंने अपने घर में एसी में बैठे कमरे में भाजपा वाले सारे मिलके एक लिस्ट बना ली, उसे व्हाट्सएप चलाए थे, हमने टिप्पर चलाए, हमने ये चलाए। आपने टिप्पर चलाए, आपने रेल चलाई, आपने बुलेट ट्रेन चलाई, आपने जो मर्जी चलाया, दिल्ली वालों के घर के बाहर से कूड़ा साफ नहीं हुआ है, पूरी दिल्ली कह रही है। सर मैं आप आज बात पूरी कीजिएगा, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और आप उनके सिर्फ कोसे जा रहे हैं। आप उपलब्धि बताइए, मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कि एनडीएमसी का श्रेय खा जाते हैं आप लोग, आपकी सरकार के पास अपनी उपलब्धियां है या नहीं है, मैं बता रहा हूँ, गिनाइए ना। सुनिए, इन्होंने 15 साल गिनाएंगे, पहले इन्होंने 15 साल में दिल्ली से कूड़ा साफ नहीं हुआ, पहली बात ये। दूसरी बात ये, दिल्ली नगर निगम के स्कूल की जो इन्होंने बात करी सर, उपलब्धियां, पंद्रह साल से सत्ता में ये है, उपलब्धियां इनको बतानी है। दिल्ली सरकार में आप हैं, चुनाव निगम का है, निगम के मुद्दों का चुनाव है, दिल्ली के निगम, सुनिए आप मेरी बात, तो उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे, मुझे गिनाऊंगा ना, मेरे मौका देंगे गिनाऊंगा ना, आप मुझे मौका देंगे अगर आप पूरे 10 मिनट उन्हें बोलने के लिए देंगे, बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे, आप उपलब्धियां गिनाइए, मैं बताता हूँ आपको। दूसरी बात, 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने एमसीडी स्कूल की बात करी, मैं दावे से कह रहा हूँ आपके चैनल पे, भैया मैं आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आज 200 रुपए प्रतिदिन कमाता होगा, 100 रुपए प्रतिदिन कमाता होगा, वो भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा दिल्ली नगर निगम स्कूल में चला जाए। जब वो 5 ही पास करके 6ठी क्लास के अंदर एंटर करता है तो 6ठी क्लास में जाने के बाद उसको किताब तक पढ़नी नहीं आती है। इन्होंने कहा कर्मचारियों की बात करी, आज भी दिल्ली के अंदर हजारों कर्मचारी कच्चे हैं, एक भी कर्मचारी को न सफाई कर्मचारी को, डीबीसी वर्कर होता है जिसको ये बोलते हैं वो दवाई छिड़कते हैं या धुआं करते हैं उसमें, डीबीसी कर्मचारी के पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाए, उसको परमानेंट नहीं कर पाए आज तक, ये पक्के करने की बात करते हैं। 10 से 15 हजार से ऊपर कर्मचारी कच्चे के कच्चे, 10 लोगों को बुला के इन लोगों ने चुनाव से पहले लेटर दिया और उसके अंदर भी 10 लोगों को दक्षिणी दिल्ली नगर लेटर दिया गया और उन कर्मचारी, वो कर्मचारी आज के आज पक्के, पहली बात। दूसरी बात, आने का उपलब्धि की बात करो, दिल्ली के अंदर लगभग 22,000 से ज्यादा क्लासरूम बने और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को आज पूरी दुनिया सराह रही है। आज दुनिया के अंदर, देश के अंदर जब 5 टॉप 10 स्कूलों की बात आती है, जब देश के, आप गूगल कर लीजिएगा आपको पता भी होगा, देश की जब 5 टॉप 10 स्कूलों की बात आई तो 5 स्कूल दिल्ली सरकार के थे जिनके टॉप 10 के अंदर थे, 1143 बच्चे नहीं थे, आपने करवाया, आपकी सरकार ने कराया, दिल्ली सरकार ने उनका निर्माण करवाया, दिल्ली सरकार के स्कूल थे। दिल्ली के बच्चे जब आईआईटी जेईई में एडमिशन लेते हैं तो 1143 बच्चे, ये देश में पहली बार होता है जो जाके जेईई का मेन एग्जाम पास करते हैं, ये दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है। आज गरीब का बच्चा ये सपना देख पाता है जय भी मुख्यमंत्री योजना से कि वो आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, इंजीनियर बन सक्ता है, वो ये सपना देख सकता है। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की मैंने पहले आपसे बात करी, आज दिल्ली में आपकी टीम जा रही है, नीचे ग्राउंड पे जा रही है, वो मोहल्ला क्लिनिक में जाके लोगों से पूछे क्या 300-300 लोग 400-400 लोग प्रतिदिन में अपना इलाज कराते हैं, अस्पतालों में दवाइयां फ्री है, उसके बाद महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री है, दिल्ली के अंदर हमने किया। और अब दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है नगर निगम में, दिल्ली साफ सुथरी होगी और दिल्ली में जो 3 कूड़े के बड़े पहाड़ हैं, ओखला में, बलसवा में, गाजीपुर के अंदर, ये 3 कूड़े के पहाड़ साफ होंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होगी, किसी को अपना मकान बनाने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, किसी को लाइसेंस के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा, ये जो इंस्पेक्टर घूमते ना गली गली एमसीडी के पैसे मांगते दुकानदार से, उनको राहत मिलेगी, उनसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। प्रदूषण का क्या? हाँ जी, प्रदूषण, प्रदूषण, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रदूषण नॉर्थ इंडिया की समस्या है, केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, ये जो समस्या है ये दिल्ली में नहीं है, फरीदाबाद में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन फरीदाबाद के अंदर भी है, क्या कह रही है, पॉल्यूशन फरीदाबाद के अंदर भी है, पॉल्यूशन रेवाड़ी के अंदर भी है, पॉल्यूशन पूरी नॉर्थ इंडिया की समस्या है और इसके ऊपर सबको मिलके, इसके अंदर सबको मिलके, मैं भी देखिए देखिए आप तो अभी मैं जवाब दे देता हूँ कुलदीप जी, शांत, अच्छा सवाल है, भाजपा के नेता है, जवाब देता हूँ, ठीक ठीक, आप देखिए मैडम आप जवाब दे रहे हैं, कुलदीप जी, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर तो जो सामने, आप प्लीज शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत हो जाइए, उन्हें जवाब देने दीजिए, मैं व्यक्ति उन्हें जवाब देने दीजिए, आपका सवाल ले लिया गया, लेकिन मैं भाजपा के नेता का जवाब भी देके जाऊंगा। देखिए आप मोदी जी की उपलब्धि तो कोई काम आपने किया हो, आप तो पैसे देके भी छिपवा सकते, और भाजपा वाले पैसे की बात कर रहे हैं, जो जिनके पास अथा पैसा है, दुनिया भर का पैसा है, आप पैसे देके छपा लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, पैसे देके नहीं छपती है, जब काम करते हो, स्कूलों के लिए काम करते हो तब जाके छपती है,
आपको काम करना पड़ता है, आपको स्कूल अच्छे बनाने पड़ते हैं, आपको एजुकेशन अच्छी करनी पड़ती है। आज दिल्ली सरकार इन्होंने पैसों की बात की है तो एक मुद्दा मैं ले आता हूँ। ये वही विधायक है जिन्होंने ये भी कहा था कि 20 करोड़।